एमएलए एक एमएलए का कीमत अभी क्या है वो तुम क्या जानो रमेश बाबू? 5 करोड़ अभी और 5 करोड़ सरकार बनने के बाद एमएलए की कीमत यही लगा है आप लोगों ने? तो पता है अभी बिहार में एक एमएलए की कीमत क्या है? अच्छा मंत्री पद भी ले सकते हैं, जो मैं चाहूँ वो मंत्री पद मिलेगा मुझे? पूछ लीजिए, क्योंकि एक एक एमएलए की कीमत अभी क्या है वो आप भी बहुत ही अच्छी तरह समझ रहे हैं। अपने जरा हाई कमान से ये बात साफ कर लीजिए कि जो मंत्री पद मैं चाहूंगी वो मंत्री पद मुझे मिलेगा। अरे जब हम राजनीति में आए हैं और राजनीति में आने के बाद इतना करके जाएं ताकि आने वाली सात पीढ़ियां मेरी बैठ कर खा सके। हाँ तो बिल्कुल आप अपने हाई कमान से बात कर लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो सिन्हा साहब, हम बोल रहे हैं। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ तो कल तो भेंट होनी ही है सदन में, कल फ्लोर टेस्ट है तो सदन में तो आना ही है। अब ये बात अलग है कि कौन किस पार्टी के तरफ से वहाँ उपस्थित रहता है। ऐसा हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि विपक्षी पार्टी के तरफ से मुझे कुछ ऑफर मिला है, 20 करोड़ रुपए और एक मंत्री पद। अगर मुझे आपकी तरफ से आश्वासन मिल जाता है कि मुझे उससे अधिक यहाँ पर मिलेगा तो मैं क्यों ही पार्टी बदलूंगी? वफादारी की बात तो आप ना ही करें मुझसे। 10 साल हो गए इस पार्टी को ज्वाइन किए हुए मुझे और आज तक मैं सिर्फ एक एमएलए बन पाई हूँ। इस बार मुझे लगा था कि कोई मंत्री पद मुझे मिलेगा लेकिन नहीं मिल पाया। अब अगर विपक्ष मुझे मंत्री पद दे रहा है तो मैं क्यों ना जाऊं उस तरफ? हमारे यहाँ एक कहावत है सिन्हा साहब, सीख पड़ोसिया सीख, न सीख तो घर ही में सीख। तो ये सारी कलाबाजियां तो मैंने अपने पार्टी से ही सीखी है। और अभी एक एमएलए की कीमत क्या चल रही है बिहार में, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। बात कर लीजिए, बात करके मुझे बताइए कि 20 करोड़ रुपए और मंत्री पद, जी हाँ मुझे चाहिए और नहीं तो मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लूंगी। एमएलए लोग समझता ही नहीं था, बस एक एमएलए। एक एमएलए का कीमत अभी क्या है वो तुम क्या जानो रमेश बाबू? पार्टी बनाने से लेकर पार्टी गिराने तक का काम हम अकेले कर सकते हैं, एक एमएलए। देखिए हम इसको कहते हैं दिल्ली के भाग से छींका टूटा।